आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल और बहुत ही आसान रेसिपी ग्रीन एग करी। आज मैं आपको बताऊंगा आप आसानी से अपने घर में, अपने रेस्टोरेंट में ग्रीन एग करी कैसे बनाए। ग्रीन एग करी बनाने के लिए मैंने लिए हैं 10 एग और इनको मैंने अच्छी तरीके से 10 मिनट उबाला है। आपने जब भी करी के लिए अंडे उबालने हैं तो आप कम से कम 10 मिनट उबालें, क्योंकि नरम नहीं होना चाहिए, हार्ड आपने बॉईल करने। और इनको ये देखिए ऐसे कट लगा लेना है। एक अंडे में आपने कम से कम 3 कट लगाने, तो मैं क्या करूंगा इसी तरीके से 3 कट लगा लूंगा सभी अंडों में। कट लगाने के बाद आपने इसमें डालना है आधे से आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून देगी मिर्च पाउडर और आधे से आधा टीस्पून नमक। ये सारी चीजें डाल के आपने देखिए ऐसे इसको मिक्स करना है और ये इसमें लग जाना चाहिए अच्छी तरीके से, ऐसे आपने लगा लेना है। अंडे में ऐसे मसाला लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए आपने एक पैन लेना है, पहले पैन को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। गर्म करने का फायदा क्या है, इसमें आपके अंडे चिपकेंगे नहीं। जब आपका पैन गर्म हो जाएगा उसके बाद आपने इसमें डालना है ऑयल, कम से कम 3 टेबल स्पून डालें। ऑयल डालने के बाद आपने गैस एकदम स्लो कर देना है। गैस स्लो करने के बाद आपने इसमें इस तरीके से देखिए एक एक करके अंडे डाल देने हैं, ऐसे जैसे कि मैं डाल रहा हूं, ये देखिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे देखिए इस तरीके से धीरे धीरे इसको पैन को हिलाना है ताकि चारों तरफ एक जैसा कलर आए। इसको सैलो फ्राई बोलते हैं, तो आपने अंडे ऐसे सैलो फ्राई कर लेना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मसालों की वजह से इसमें बहुत ही अच्छा कलर आ चुका है और ये फ्राई भी हो चुके हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो मैं अब क्या करूंगा, गैस कर दूंगा बंद। अंडे फ्राई करने के बाद आपने क्या करना है, पालक लेना है। पालक हमेशा क्या है, गड्डी में मिलती है, तो आपने पूरी इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें से आपने आधी से थोड़ी कम यूज करना है, सिर्फ इतनी, ये देखिए इतनी पालक लेना है। इसको यहां से काटना है और एक का दो कर लेना है, देखिए इस तरीके से। और इसको पहले आपने अच्छी तरीके से धो लेना है। पालक धोने के बाद आपने पालक को सबसे पहले उबाल लेना है और उबालने का तरीका ये, उबलते हुए पानी में आपने डालना है। उबलते हुए पानी में डालने का फायदा क्या है, पालक का कलर खराब नहीं होता है, तो उबलते हुए पानी में डालें। उसके बाद आपने इसको ऐसे दबा देना है और पानी थोड़ा होना चाहिए। ज्यादा पानी में जब आप पालक को उबालते हैं ना तो भी कलर खराब हो जाता है। ये देखिए ऐसे दबा दिया और पानी उबलने का इंतजार किया। अब हमारी पालक उबल चुकी है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आपने पानी उबलने का इंतजार करना है। ऐसे ये देखिए बॉईल होने का, सिर्फ 2-3 बार उबाल आए तब आपने गैस बंद कर देना है और इसको छान लेना है। और इसमें तुरंत आपने डालना है ठंडा पानी, तभी इसका कलर रहेगा हरा। पालक उबालने के बाद आपने लेना है धनिया, धनिया का वजन है 100 ग्राम और ये देखिए इस तरीके से रफली काटना है जैसे कि मैंने काटा, और ये सीधा जाएगा पानी के अंदर। ये देखिए ऐसे आपने ज्यादा पानी में डालना है ताकि अगर इसमें मिट्टी हो तो नीचे चली जाए। उसके बाद आपने 100 ग्राम पुदीना लेना है और इसको भी देखिए ऐसे रफली काट लेना है, इसको भी आपने डालना है पानी के अंदर। ये देखिए अच्छे से आपने धोना है। कोई भी ऐसे हरी चीज होती है ना, पालक पुदीना धनिया, इनमें मिट्टी होती है, तो आप अच्छे से धोएं, 2 बार भी 3 बार भी धो सकते हैं। सारी चीजें कटिंग करने के बाद आपने लेना है मिक्सी का जार। जार के अंदर आपने सबसे पहले डाल देना है पालक जो हमने उबाल के रखी थी, उसके बाद आपने इसमें डाल देना है ये धनिया और पुदीना, ये देखिए। फिर आपने इसमें डालना है लहसुन के दाने कम से कम 12, 1.5 इंच लंबी आपने अदरक का टुकड़ा लेना है और उसको ऐसे छोटा छोटा काट के डाल देना है। आपने इसमें डालना है 8 हरी मिर्च और आपने इसमें डालना है 150 ग्राम दही। दही डाल के पीसे, दही के साथ पीसने से क्या होगा, इसका कलर खराब नहीं होगा। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने पीस लेना है और थोड़ा पानी डाल के पीसे ताकि अच्छे से पेस्ट बन जाए। ये देखिए मैंने कितनी अच्छी तरीके से पीस के पेस्ट बना लिया है, आपने भी ऐसे ही पेस्ट बना लेना है। जैसा कि आपको पता है अब हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, तो अब हम मारेंगे तड़का। तड़का मारने के लिए आपने सबसे पहले पैन के अंदर डालना है ऑयल कम से कम 1/2 कप। उसके बाद आपने इसमें डालना है 1 टीस्पून जीरा, 4 साबुत लाल मिर्च, 2 तेज पत्ते, 2 सिनेमन स्टिक,
ये सारे मसाले डालने के बाद आपने प्यार से ऐसे चटकाना है, इनकी खुशबू आपकी नाक तक आ जाए आसानी से इतनी देर। जब ये मसाले हल्के से चटक जाएंगे तब आपने क्या करना है, इसमें आपने डालना है बारीक कटी हुई प्याज। प्याज लिए मैंने दो छोटी छोटी। अब आपने क्या करना है, प्याज को ऐसे चलाना है जैसे कि मैं चला रहा हूँ, और इसमें एक बढ़िया कलर आने का इंतजार करना है। प्याज में आपने कलर लेना है एकदम बढ़िया लाल होना चाहिए, मतलब सुनहरा सुनहरा। मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, अच्छा कलर प्याज में आएगा कैसे, ऐसे लगातार चलाने से। तो आपने क्या करना है, ऐसे लगातार चलाना है। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आया, ऐसा ही आपने लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें डाल देना है पेस्ट जो हमने पीस के रखा था। ये देखिए पेस्ट डालने के बाद आपने इसको ऐसे मिक्स किया और बिना पानी डाले इसको अच्छी तरीके से आपने पकाना है, मतलब भून लेना है। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ ना, भून भून के आपने टेस्ट निकालना है। अब मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से पका लिया है। आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी पालक, हमारा जो पेस्ट है पका या नहीं, इसके दो तरीके आपको बताऊंगा। दो से आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि यार पक चुका। ये देखिए पहला तरीका, जैसे कि आप देख रहे हैं इसने तेल छोड़ दिया है, तो ये तेल छोड़ देगा। ये है पहला तरीका। दूसरा तरीका, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी रेंज पे पूरे पालक के छींटे छींटे उड़ चुके हैं, तो ऐसे छींटे उड़े मतलब है कि आपकी पालक अच्छे से पक चुकी है। देख रहे हैं ना आप, ऐसे मतलब हो गया, इसका मतलब यह है कि आपकी पालक पक चुकी है। तो मैंने आपको दो बहुत ही आसान तरीके बता दिए चेक करने के कि आपको कैसे पता चले। अब आपने क्या करना है, ऐसे एक बार प्यार से चलाया जैसे कि मैं चला रहा हूं। उसके बाद आपने इसमें डालना है आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, एक टीस्पून जीरा पाउडर, और आपने इसमें डालना है दो टेबल स्पून बटर। बटर या फिर देसी घी जरूरी है डालना, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने इसे प्यार से इसको चलाना है और दोबारा से आपने अच्छी तरीके से पकाना है ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं, मसालों की कच्ची स्मेल नहीं आना चाहिए। तो ऐसे चलाएं थोड़ी देर। आपने मसाले डालने के बाद थोड़ी देर पकाना जरूर है। पकाने के बाद आपने क्या करना है, इसमें आपने डालना है एक कप पानी, मिक्स किया और थोड़ी देर अच्छे से पकने दिया। अब ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से पक चुका है, ऐसे ही आपने पकाना है, चमक आ जानी चाहिए। तब आपने क्या करना है, जब ऐसी चमक आ जाएगी तब आपने इसमें डाल देना है अंडे जो हमने फ्राई करके रखे थे, और जो इसमें से रोगन निकलेगा वो सब डाल देना है। रोगन डालना जरूरी है पालक में, तभी चमक आती है। देखिए कैसी चमक आई। अब आपने क्या करना है, आपने इसमें डालना है फ्रेश क्रीम कम से कम 4 टेबल स्पून। ये देखिए इस तरीके से फ्रेश क्रीम डालने के बाद प्यार से ऐसे मिक्स करना है जैसे कि मैं कर रहा हूं। वाह, फ्रेश क्रीम से क्या होगा, इसमें बहुत ही बढ़िया ग्लेज आएगा, मतलब ये खूबसूरत चमक आएगी और ग्रेवी आपकी जो है ना ये पालक की एकदम स्मूथ हो जाएगी, बहुत ही टेस्टी और शानदार। देख रहे ना कितना फर्क पड़ा, क्रीम से कलर कितना बेहतरीन हो गया। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा पकाना है बस, कितना इसमें बेहतरीन चमक आ जाए और हल्की सी ग्रेवी थिक हो जाए। अब हमारी ग्रीन एग करी बनके तैयार है और बहुत ही टेस्टी और खूबसूरत बनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, मेरा काम पसंद आएगा, आपके दिल को टच करेगा, तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। देख रहे ना आप, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि बहुत ही बेहतरीन लाजवाब रेसिपी बनके तैयार है। अब आपने क्या करना है, ऐसे चलाना है इसको। ये देखिए कितनी खूबसूरत है, मजा आ गया मुझे तो। आपको मजा आया या नहीं आया ये आपने मुझे बताना है कमेंट करके। अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाता हूँ कि कितनी प्यारी लाजवाब थिकनेस है। देखिए बहुत ही बेहतरीन, देख रहे ना आप, ऐसी स्मूथ ग्रेवी होगी ना किसी भी खाने की, तो आपको बहुत ही मजा आएगा खाने में।
अब मैं क्या करूंगा, गैस कर दूंगा बंद, और ये है टीका। देखिए वाह, लाजवाब, शानदार, बहुत ही बेहतरीन, दिल खुश हो गया बना के। अब मैं आपको इसकी गार्निश बताने वाला हूं कि आपने इसमें गार्निश क्या करना है। सबसे पहले आपने इस पे डालना है बटर, थोड़ी सी क्रीम, एक सूखी लाल मिर्च, जूलियन जिंजर, ये है इसकी गार्निश। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके मुझे बताना है कि पसंद आया या नहीं।